So good morning everyone, this is CA Sanidhya Saraf और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं, that is how to score exemption marks in CA final auditing. क्या कह रहे हो सर जी, exemption in CA final auditing? बिल्कुल सही सुन रहे हो आप सर जी. फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा CA final का, उसमें तो हमारा सिर्फ ऑडिट की वजह से ही एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, 40 नंबर लाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है सर. तो क्या सचमुच ये पॉसिबल है कि हम ऑडिट में 60 मार्क्स ला सके? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. और कैसे लाना है, कैसे अचीव करना है, वही आपको क्या करना है, आज डिस्कस करना है. तो ये जो सेशन है जो आप देख रहे हो, इसमें हमारा जो मेन पर्पज है वो पर्पज है हाउ टू सिक्योर एग्जम्पशन इन ऑडिटिंग. 60, 70 या एटलीस्ट मिनिमम 50 मार्क्स, कि कम से कम मिनिमम 50 नंबर तो अपने को कैसे सिक्योर करना है इस सब्जेक्ट के अंदर. ओके, तो सर जी आपको मैं दो फॉर्मूला बताऊंगा, वो दो फॉर्मूला में हमें काम करना है. कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारा कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सी प्लस पी, द फॉर्मूला ऑफ सी प्लस पी. स्टार्ट करने से पहले इफ आई टॉक अबाउट माई इंट्रोडक्शन, सो दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, faculty at ICI Mumbai, and I am also a visiting faculty at New Delhi, Rajasthan, Assam, and several other places across the country. Okay, so वो formula जिससे हम exemption secure करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, that is the formula of C plus P. What is this C plus P? C plus P यानी कि सर जी सबसे पहले अपने को चाहिए content, एंड उसके बाद पी यानी अपने को चाहिए प्रेजेंटेशन. अब आप में से काफी लोग सोचोगे कि सर जी प्रेजेंटेशन मतलब अच्छी हैंडराइटिंग होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप देख रहे होगे कि मेरी हैंडराइटिंग यहां इतनी अच्छी नहीं है, मगर आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड गुड मार्क्स फॉर मायसेल्फ, राइट? सो हैंडराइटिंग इज नॉट द क्राइटेरिया. सो हमें क्या चाहिए सर जी, कंटेंट चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए. एक तो हमें सिलेबस की अच्छी खासी नॉलेज हो, स्ट्रांग नॉलेज हो, बट एट द सेम टाइम सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा, हाउ टू प्रेजेंट इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हमें उसमें भी काम करना होगा. अब कंटेंट के लिए अपने को क्या चाहिए, कंटेंट के लिए अपने को सबसे पहले चाहिए कवरेज. क्या चाहिए? कवरेज. और कवरेज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट के जितने भी मटेरियल हैं, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, फिर उसके बाद आपका आरटीपी, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट पेपर, ये सारे मटेरियल की कवरेज हमारी अच्छी रहे. प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, सबका कवरेज हमारा अच्छा रहे. लेकिन उसके अलावा जरूरी है कंसाइज नोट्स, बिकॉज सर जी अगर हमने इतना सारा कुछ कर भी लिया बट एट द सेम टाइम हमारे नोट्स कंसाइज नहीं है, तो हम उसे रिवाइज कैसे करेंगे, बिकॉज कम से कम 4 से 5 रिविजन तो चाहिए. एट द सेम टाइम हम एग्जाम से पहले उसे लास्ट डे में रिवाइज कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, वो सारे हमें इश्यूज आने वाले हैं. तो हमें चाहिए कंसाइज नोट्स. एंड फाइनली पॉइंट नंबर 3, हमें चाहिए रिटेंशन. सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा सर जी, कंटेंट को कवर करने से काम नहीं चलेगा. प्रॉब्लम यह है कि हम याद कैसे करें, उसे रिमेम्बर कैसे रखें, कैसे अपने दिलो दिमाग में उस कंटेंट को बसा लें. तो वो क्या है? रिटेंशन. अब रिटेंशन के लिए दोस्तों हमने बहुत सारी वंडरफुल चीजें करी है, बहुत कुछ वंडरफुल कॉन्सेप्ट डेवलप करा है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. अब कंटेंट मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंटेशन. जो लोग पहले एग्जाम्स दे चुके हैं, आप लोगों को पता होगा कि सर जी मेरा कंटेंट स्ट्रांग था. काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी मेरा कंटेंट स्ट्रांग था लेकिन फिर भी आईसीआई ने मेरे को नंबर नहीं दिए. तो क्या सर आईसीआई ने आपको नंबर जानबूझ के नहीं दिया? क्या आईसीआई की आपके साथ कोई दुश्मनी है, या क्या आईसीआई मार्क्स को कट डाउन कर रहा है? द आंसर इज नो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंटेंट आईसीआई के अकॉर्डिंग नहीं था,
एंड दूसरी चीज, हमारी प्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं थी। तो हमें क्या करना है, अपना प्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट बनाना है। और प्रेजेंटेशन के ऊपर दोस्तों हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं, बहुत सारा काम करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी द हाईलाइट, प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी द मेन फीचर जिसमें हम लोगों को काम करना है। और हमें तो ये इंश्योर करना है दोस्तों कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इंडिया लेवल में सबसे बेस्ट हो। कैसा हो प्रेजेंटेशन, इंडिया लेवल पे सबसे बेस्ट हो। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, हाउ टू इंप्रूव द प्रेजेंटेशन, हाउ टू इंप्रूव द प्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद बताएंगे हम एक 60 मार्क्स की स्ट्रेटेजी, जिसके लिए मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आईसीआई का जो सिलेबस है हमारा ऑडिटिंग का, राइट। तो ऑल दिस एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहले अपने को क्या देखना है, कंटेंट। फिर अपने को क्या देखना है, प्रेजेंटेशन। कंटेंट में सबसे पहले कवरेज, कवरेज किन चीजों की, प्रैक्टिस मैनुअल की, स्टडी मटेरियल की, आरटीपी की, मॉक टेस्ट पेपर की। उसके बाद अपने को चाहिए कंसाइज नोट्स, एक ऐसा कंसाइज नोट्स जिसमें एटलीस्ट 90% ऑफ ऑल दिस स्टफ, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर कवर्ड हो, ताकि हम लोग उसे बार बार रिवाइज कर सकें। और थर्ड हमें चाहिए रिटेंशन, कि आखिर उसे याद कैसे रखा जाए। हमारा अगला डिस्कशन यही होगा कि हम इतनी सारी चीजों को याद कैसे रखें। एंड फाइनली वी हैव टू वर्क ऑन आवर प्रेजेंटेशन, जब हम ये पहला पार्ट अचीव कर चुके, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू वर्क एट। ओके, सो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप जो हमें डिस्कस करना है वो क्या करना है, रिटेंशन। कि सर जी रिटेंशन कैसे लाएं, हाउ टू ब्रिंग दिस रिटेंशन पार्ट। तो रिटेंशन के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और जब मैं स्ट्रांग कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, उसका मतलब मेरा मानना तो यह है कि कॉन्सेप्ट शुड कम फ्रॉम यू, कॉन्सेप्ट शुड कम फ्रॉम यू। बिलीव मी, आपके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट पहले से इनबिडेड है, पहले से वो कॉन्सेप्ट फिट है, लेकिन उसको बाहर निकालने की जरूरत है, दैट इज टू बी ब्रॉट आउट, राइट। तो क्लासेस में भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपसे बाहर निकले, रादर देन मैं एम्फसाइज कर रहा हूं और मैं एक एक लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूं। मैं तो करने वाला ही हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं, आपको लॉ मेकर की तरह सोचना है वहां पे, कि यहां पे क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। एंड बिलीव मी, जो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बैठ के देख रहे होंगे वीडियो, आप सिर्फ लॉजिक लगाओगे उस वक्त मेरे साथ बैठ के, हाँ मैं ये करता, और फिर आप मैच करेंगे कि आपकी थिंकिंग मैच कर रही है कि नहीं लॉ मेकर की थिंकिंग से। अगर वो मैच कर रही है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर मैच नहीं कर रही तो आप चिंता मत करना, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा जो लिखा है वो क्यों लिखा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो पहले अपने को क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट्स। बट सर जी सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम चलेगा क्या, नहीं, कॉन्सेप्ट से खाली काम नहीं चलने वाला, हमें चाहिए लॉट ऑफ लर्निंग, हमें चीजें याद रहनी चाहिए, हमें वर्ड्स याद रहने चाहिए, हमारी इंटरलिंकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट हमें चाहिए लर्निंग। लर्निंग में अपने को क्या क्या याद रखना है सर जी, लर्निंग में अपने को चाहिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज, उसके बाद अपने को चाहिए कीवर्ड्स, और उसके बाद ऑडिटिंग के पेपर में अपने को चाहिए इंटरलिंकिंग स्किल्स। क्या चाहिए, इंटरलिंकिंग स्किल्स चाहिए। Now this is the most important part, the interlinking skills. Because believe me, auditing की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, एक इतनी interesting दुनिया है कि आप लोग मजे करने वाले हो। Interlinking skills यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से involved है। जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की, हम साथ में बात कर रहे होंगे कोड ऑफ एथिक्स की। हम जब बात कर रहे होंगे कोड ऑफ एथिक्स की, हम साथ में बात कर रहे होंगे स्टैंडर्ड्स की। हम जब बात कर रहे होंगे कंपनी ऑडिट की, तो हम साथ में बात कर रहे होंगे स्टैंडर्ड्स की, कोड ऑफ एथिक्स की। हम जब बात कर रहे होंगे स्टैंडर्ड्स की फिर से, तो कोड ऑफ एथिक्स की भी बात चल रही होगी, कंपनी ऑडिट की भी बात चल रही होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑडिटिंग की दुनिया के बाहर आप अकाउंट्स पढ़ते हो, ऑडिटर को पता होना चाहिए अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आप लॉ पढ़ते हो, ऑडिटर को तो लॉ की कंप्लायंसेस चेक करनी है, ऑडिटर को तो डीटी का नॉलेज होना चाहिए, आईडीटी का नॉलेज होना चाहिए, ऑडिटर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे इंटरलिंकिंग एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्तों इस पेपर के अंदर। तो बहुत सारा वर्क हम इस क्लास में करने वाले हैं इंटरलिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में, हाउ टू डेवलप दिस इंटरलिंकिंग स्किल्स।
एंड द थर्ड थिंग सर, आपने बोला लर्निंग में अपने को लैंग्वेज याद करना है, कीवर्ड्स याद करना है, इंटरलिंकिंग स्किल्स याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, इतना सारा कुछ हमें याद कैसे रहेगा? तो याद कैसे रहेगा, उसके लिए अगेन हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करे हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट्स हमने डेवलप किया है उसमें से जो पहला चीज़ है वो ये है कि हमने कोशिश करी है कि जो आपको एक ऐसा कंटेंट मिले, आपको एक ऐसा मटेरियल मिले, आपको एक ऐसा वीडियो मिले कि 40 घंटे के अंदर, 45 घंटे के अंदर आपको 100% सिलेबस की कवरेज मिल जाए, और विथ फुल कॉन्सेप्ट्स, विथ 100% कवरेज, विथ प्रेजेंटेशन स्किल्स, विथ इंटरलिंकिंग स्किल्स, हर कुछ 40 घंटे में इंक्लूडेड होगा, बिल्कुल इंक्लूडेड होगा। अब क्या होने वाला है, आपके पास सफिशियंट टाइम आपको मिलने वाला है टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, प्लस ये 40 घंटे की वीडियो आप दो बार भी देख सकते हो, आप तीन बार भी देख सकते हो, पहली चीज। उसके बाद सेकंड, एक स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, सर जी मैंने क्लास किया, मुझे समझ भी आ गया, मुझे याद भी हो गया, वेरी गुड, आपको समझ भी आ गया, आपको याद भी हो गया, फिर दिक्कत क्या है? सर जी बस क्लास खत्म हुई, मैंने दूसरा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और क्या करें सर, वो जो पहले पढ़ा था, भूलने की बीमारी है, वो हमारे दिमाग से बाहर निकलने लगा सर, फ्लैश आउट होने लगा, क्या करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ एक सॉल्यूशन, बेटा आप दूसरे पेपर पढ़ते हो ना, डेली 2 घंटे ऑडिट को दे देना। सर जी एडवाइस सुनने में तो बहुत अच्छा है बट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, मैं डेली 2 घंटे कैसे दूं ऑडिट को, मुझे बाकी पेपर्स भी तो पढ़ने हैं। राइट, ओके, बात तो सही है, फिर क्या किया जाए? तो उसी के लिए निकाला है हमने एक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रिविजन, कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉइस क्लिप्स। जी हाँ, वॉइस क्लिप कॉन्सेप्ट। अब ये वॉइस क्लिप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कैसे ऑपरेट करता है, जैसे what I have done is for the benefit of the students community I have developed a WhatsApp group. तो बहुत सारे WhatsApp group हैं CA finals के अंदर, बहुत सारे WhatsApp group हैं। अब उस WhatsApp group में दो चीजें होती हैं, एक होता है queries का discussion और दूसरा अपन करते हैं voice clips में काम। मैं आपको छोटे छोटे clips send करता हूँ from the time to time, छोटे छोटे clips send करता हूँ। अब वो clips की effectiveness कैसे होती है, for example मान लीजिए हमने company audit का topic class में 10 घंटे में किया, एक वॉइस क्लिप आपको मिलेगा जिसमें वही कंपनी ऑडिट सिर्फ आधे घंटे में होगा। हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 10-12 घंटे में किया, आपको वॉइस क्लिप्स मिलेंगे जिसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स मात्र 1-1.5 घंटे में होंगे, ओनली इन 1 to 1.5 आवर्स। इस तरीके से जितने भी मैटरल कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स है, तो कोड ऑफ एथिक्स का अगेन आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगा सिर्फ 20-25 मिनट का मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जब भी आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको 2 घंटे ऑडिटिंग साथ में डेवलप करनी है या 2 घंटे के लिए आपको ऑडिटिंग के लिए रखनी है, लेकिन आप क्या करोगे, आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम था, अनप्रोडक्टिव टाइम यानी कि ट्रैवलिंग का टाइम, खास करके मेट्रोज में स्टूडेंट्स वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग, राइट? तो वो वाला टाइम आप क्या कर सकते हो, आप कानों में हेडफोन तो लगाते ही हो, अब क्या करो, सिर्फ कंटेंट चेंज कर दो। कंटेंट चेंज कर दो मतलब क्या करो आप, अब कंटेंट में क्या आ जाएगा, ऑडिटिंग आ जाएगा। तो आते जाते ट्रैवलिंग के वक्त आपका टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज होने लगेगा और आप क्या कर पाओगे, ऑडिटिंग रिवाइज कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, फटाफट रिवाइज कर पाओगे। आप मान के चलो 10 दिन आपने वैसा क्लिप सुन लिया ना, 10 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, सिर्फ वॉइस क्लिप सुन के, मैं वापस से कह रहा हूं, सिर्फ वॉइस क्लिप सुन के 10 दिन में पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। उसके अलावा रात को नींद नहीं आ रही, बस नींद की दवा की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, वॉइस क्लिप सुन लेने का, या तो आपको बहुत ही अच्छी प्यारी वाली नींद आ जाएगी, जस्ट फॉर जॉकिंग, जस्ट फॉर किडिंग, एंड या फिर आपको कॉन्सेप्ट 100% बिल्ड हो जाएंगे और रात को सपने भी ऑडिट के आने लगेंगे। तो इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रीज होने लगेगा। और इसके लिए आपको टाइम क्या देना है, 0 टाइम देना है। मैंने क्यों बोला 0 टाइम देना है, बिकॉज मैं तो कहीं नहीं रहा कि आप बाकी पेपर्स पढ़ रहे हो तो आपको उसमें से टाइम डेवलप करना है। जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम था, ट्रैवलिंग का टाइम था, नींद नहीं आ रही थी, प्राइवेट जोन है आपका, आप समझ सकते हो, वो सारे टाइम आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। अब वो चीज़ आपके दिमाग में चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और वो वॉइस क्लिप्स इतने इफेक्टिव है दोस्तों कि जो भी क्लास में हमने डिस्कस करा है, जो भी हमने क्लास में डिस्कस करा है, वो सारी चीज़ आपके दिमाग से बाहर ही नहीं आने देगा। यानी आपने ऑडिटिंग के बाद कुछ दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करे और सपोज आप 1.5 मंथ्स बाद भी
या 2 months बाद भी दोबारा ऑडिट को हाथ लगाते हो, आपको लगेगा कि जो आपका ऑडिट है वो बिल्कुल फ्रेश है और आप ऑडिटिंग पहली बार डिस्कस कर रहे हो। अब ये वॉइस क्लिप्स क्या वो स्टूडेंट भी सुन सकते हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं ली है? जी हाँ, वो भी सुन सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए है। तो इवन द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन माय क्लास आर फ्री टू जॉइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका मैं नंबर आपको शेयर करूंगा, आर फ्री टू जॉइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी क्वेरीज पूछ सकते हो और आप भी वॉइस क्लिप्स के मजे ले सकते हो। लेकिन ऑब्वियस चीज है कि जिन बच्चों ने वो 40-45 घंटे की क्लासेस भी ली होगी, उनके लिए वॉइस क्लिप्स बहुत ज्यादा और ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा कंपेयर टू द स्टूडेंट जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है। जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कंपैरेटिवली जिन्होंने क्लासेस ली है उनके लिए और ज्यादा इफेक्टिव होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस क्लिप्स। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 6 महीने बाद आपके एग्जाम है या मान लीजिए 3-4 महीने बाद आपके पेपर्स हैं, आपने जब भी क्लासेस ली है, लेट्स से एग्जाम से 1.5 महीने पहले ली है, आप क्या करो, एक बार क्लास के साथ अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद 2 से 3 बार वॉइस क्लिप सुन डालो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव टाइम में। अब जब आप अगली बार ऑडिट रिवीजन के लिए उठाओगे ना, आप सरप्राइज हो जाओगे कि सर पहली बार ऐसा हुआ है, 1.5 महीने बाद मैंने सब्जेक्ट को हाथ लगाया है और मुझे अभी से 80% कंटेंट अब भी याद है। तो 2 से 3 रिवीजन के अंदर, 2 से 3 रिवीजन के अंदर आपको ऑडिटिंग आपके फिंगर टिप्स में हो जाएगा और यहां हमारा जो कंटेंट पार्ट है वो इंश्योर हो जाएगा। राइट, हमारा जो कंटेंट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा। सो कंटेंट पार्ट तो हमारा इंश्योर हो गया, अब हमें किसमें काम करना है, प्रेजेंटेशन में काम करना है। किसमें काम करना है, प्रेजेंटेशन में काम करना है, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंटेशन की बात करने से पहले, उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज जब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो वहां से भी हमें एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि हमें कंटेंट का कवरेज कैसे करना है और किस तरीके से करना है। ओके, रिगार्डिंग दिस वॉइस क्लिप, रिगार्डिंग दिस व्हाट्सएप ग्रुप्स, आप क्या कर सकते हो, एक नंबर नोट डाउन कर सकते हो, 7838061193। जो भी स्टूडेंट इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट टेक्स्ट ए मैसेज ऑन दिस नंबर कि मेरे को सीए फाइनल ऑडिट का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। डू स्पेसिफाई सीए फाइनल, बिकॉज ग्रुप्स आईपीसीसी के लिए भी हैं। तो आप क्या करोगे, सिर्फ मैसेज करोगे कि मेरे को ज्वाइन करना है, आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी वो लिंक शेयर कर सकते हो। आपने क्लासेस ली है नहीं ली है डज नॉट मेक ए डिफरेंस, हर कोई इस वॉइस क्लिप से को एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो बिलीव मी, ये मेरा एश्योरेंस है कि 2 से 3 बार वॉइस क्लिप सुनते ही आपके ऑडिटिंग फिंगर टिप्स में होंगे। और ये ओरिजिनल जो क्लासेस आप लोगे ये भी सिर्फ 40 से 45 घंटे का ही एक ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपको 100% कवरेज मिलने वाला है और क्लासेस करते करते ही आपको काफी सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। एंड यू कैन देन कंपेयर विद द प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, आपको पता चलेगा कि आप सब कुछ कर पा रहे हो। तो ये पहला पार्ट है हमारा, दैट इज द कंटेंट पार्ट। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कवरेज पार्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, तो हमारा जो ऑडिट का सिलेबस है उसको मैं डिवाइड करूंगा इन डिफरेंट एरियाज, 4 एरियाज में डिवाइड करूंगा। पहला कंपनी ऑडिट, व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंपनी ऑडिट पार्ट, आई एम इंक्लूडिंग द कंपनी अकाउंट्स पार्ट हियर एंड आई एम आल्सो इंक्लूडिंग द कारो 16 पार्ट, दैट इज कंपनी ऑडिट प्लस कंपनी अकाउंट्स प्लस कारो 16। उसके बाद जो अगला एरिया रहेगा दैट विल बी कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। द थर्ड एरिया जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स जो आपने आईपीसीसी में भी किया था। एंड फोर्थ चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, आपके इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स प्रिस्क्राइब किए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है। अप्रोक्सीमेटली 22-23 चैप्टर्स यहां पे अपने पास हैं जो अपने को डिस्कस करना है। अब ये जो पूरा पेपर है इसका वेटेज किस हिसाब से डिवाइड होगा, अप्रोक्सीमेटली किस हिसाब से डिवाइड होगा,
इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न तो नहीं दिया है, सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स का एक एश्योरेंस रहता है कि वो 16 मार्क्स का आने वाला है, बट नॉर्मली ये पेपर का जो डिवीजन होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है कि आप मान के चलो ये जो कंपनी अकाउंट्स ऑडिट एंड कारो 16 का पार्ट है एंड कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट है, इससे आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स का कवरेज। कितना मिल जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स का कवरेज। उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का पार्ट है, अगेन आपको इससे मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स का कवरेज। अब पेपर कितना आता है दोस्तों, कितने का आता है? पेपर आता है 116 मार्क्स का। सो ये जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है, इससे आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 36 मार्क्स का कवरेज। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस आर जस्ट अप्रॉक्सीमेशंस, नॉर्मली वेटेज इतना ही रहेगा। ऐसा भी हुआ है कि स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने 50 नंबर का पूछ लिया, और ऐसा भी हुआ है कि कंपनी अकाउंट्स ऑडिट एंड कारो इस एरिया से ही इंस्टीट्यूट ने 40 नंबर का पूछ लिया, सिर्फ इस एरिया से, कोड ऑफ एथिक्स का अलग। बट दिस इज मोस्टली ए टेंटेटिव काइंड ऑफ थिंग कि अप्रॉक्सीमेटली इतना वेटेज रहने वाला है। अब ये जो पहला पार्ट है, कंपनी अकाउंट्स ऑडिट कारो 16 कोड ऑफ एथिक्स, बिलीव मी माई फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये जो एरिया है, हम लोग इस एरिया को इतना अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इसका प्रेजेंटेशन जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रेजेंटेशन दैट यू कैन गेट इन द कंट्री। आपको इससे अच्छा प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाओगे, और वो प्रेजेंटेशन मैंने डेवलप नहीं किया है, वो प्रेजेंटेशन आपके इंस्टीट्यूट की देन है, जो मैंने इंस्टीट्यूट से सीखा है, काफी रिसर्च किया है इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर, इंस्टीट्यूट के आरटीपीस के ऊपर, इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल्स के ऊपर, काफी रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रेजेंटेशन टेक्निक हमने डेवलप किया है इन टॉपिक्स में, जो एंश्योर करेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंडिया में सबसे बेस्ट हो, और कवरेज के हिसाब से भी ऐसा एक भी सिंगल पॉइंट नहीं रहेगा। आप कंपेयर करना, मॉक टेस्ट पेपर्स कर लेना जितने अटेम्प्ट्स के करने हैं, आप रिवीजन टेस्ट पेपर्स करना चाहते हो वो कर लेना, प्रैक्टिस मैनुअल कर लेना, स्टडी मैट देख लेना, आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे 100% कवरेज किया है। और जो वॉइस क्लिप्स है वो इंश्योर करेंगे आफ्टर दी क्लासेस कि आपको ये कॉन्सेप्ट 100% याद भी रहे, और क्लासेस करते वक्त आपको ये सारे कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स में याद भी हो जाएंगे। दिस इज नॉर्मली जो फीडबैक स्टूडेंट्स का अभी तक आया है, और प्रेजेंटेशन भी हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप करने वाले हैं। अब ऑडिट में अगर आपको नंबर चाहिए, सबसे पहले हमें यही वाला एरिया टारगेट करना है, बिलीव में। अगर कोई मेरे से क्लास नहीं भी ले रहा है ना, तब भी देखना ये जो टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। और सबसे पहले हमें ये वाला एरिया टारगेट करना है, और हमें इंश्योर करना है कि इस 40 मार्क में से हमारे 30 नंबर आ जाएं। कितने आ जाएं? 30 मार्क्स आ जाएं। क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोड ऑफ एथिक्स में 16 आउट ऑफ 16 आया है, एंड कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस में भी 4 आउट ऑफ 4 आया है। सो बिल्कुल पॉसिबल है, 40 मार्क्स में 30 इज ए वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट कि हम लोग ला सकते हैं इतना। उसके बाद स्टैंडर्ड्स का जो एरिया है, स्टैंडर्ड्स का जो एरिया है, अब बहुत ही लॉजिकली मैं आपको बोलूंगा, जो स्टैंडर्ड्स का एरिया है और ये जो टाइप्स ऑफ ऑडिट का एरिया है, इस स्टैंडर्ड्स में, इस एरिया में एक प्रॉब्लम आती है कि कवरेज इंस्टीट्यूट का बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है, और स्टूडेंट्स जो परेशान रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं कि सर जी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, वो स्टैंडर्ड्स के अंदर हम रिवाइज कैसे करें? हमने क्लास में कर लिया, लेकिन हम उसे रिवाइज कैसे करें? अच्छा, जिन्होंने कहीं ना कहीं क्लास ली है तो स्टैंडर्ड्स के मामले में उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों? उनको प्रॉब्लम ये आती है कि हमसे रिवाइज कैसे करें? 250 पेज का स्टैंडर्ड्स है, 300 पेज का स्टैंडर्ड्स है, हाउ टू रिवाइज? इसके लिए व्हाट आई हैव डन इज, आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ स्टैंडर्ड्स के, वो एक बहुत ही ज़्यादा कंपाइल्ड नोट्स है, बहुत ही रिसर्च के बाद और बहुत टाइम लगाने के बाद वो नोट्स को मैंने डेवलप किया है, कि आपको मिलेगा एक 85 पेजेस का, 90 पेजेस का स्टैंडर्ड्स का नोट्स, राइट? उस 90 पेजेस के अंदर आपको स्टैंडर्ड्स जितना भी मिलेगा वो एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो क्लास में तो हम लोग पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके सपोर्ट के लिए आपके पास वॉइस क्लिप होगा, एंड उसके बाद आपके पास रहेगा एक 90 पेजेस का कंपाइल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का नोट्स, जिसको आप 3 से 4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज कर सकते हो, और इतने रिविजन के बाद तो वो इंश्योर्ड हो जाएगा कि हमारे स्टैंडर्ड्स में जो कंटेंट है वो अच्छे डेवलप हो चुके हैं।
लेकिन जिन्होंने स्टैंडर्ड्स की क्लास नहीं करी है, कहीं से भी नहीं करी है, मैं आपको बता रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्टैंडर्ड्स के क्लियर नहीं होंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है। बिकॉज जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है तो वो क्या करता है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का सीरीज दिया हुआ है, जैसे वहां पे सबसे पहले ऐसे 200 डीवी है, 210 डीवी है, उसके बाद 220 डीवी है, 230 डीवी है, 240 डीवी है, वो उस कंटेंट में चला जाता है और रिवाइज करते रहता है। बट यहां पे आप करते हो एक बहुत बड़ा ब्लंडर, बिकॉज उससे आपको कॉन्सेप्ट्स का भी क्लियर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 240 जो कि फ्रॉड का स्टैंडर्ड है, वो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आपने 700 की सीरीज ना करी हो, आपने 300 की सीरीज ना करी हो, 500 की सीरीज ना करी हो, तब तक आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स में दो चीजें बहुत ज्यादा फोकस्ड करेंगे हम। फर्स्ट हम लोग एक सीरीज, लॉजिकल सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे, एक बहुत लॉजिकल पैटर्न में स्टैंडर्ड्स को समझेंगे, बहुत लॉजिकल पैटर्न में। लॉजिकल पैटर्न में स्टैंडर्ड्स को समझने के बाद, एक अलग सीक्वेंस डिजाइन करने के बाद, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जिससे स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन क्लियर हो। उसके अलावा ये जो कंपनी ऑडिट का पार्ट हमने किया था, ये जो कोड ऑफ एथिक्स का काम हमने पार्ट हमने किया था, ये स्टैंडर्ड्स में फिर से आपके काम आने वाला है, फिर से आपके काम आने वाला है, यानी इसकी बहुत सारी इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व होने वाली है। तो उस इंटरलिंकिंग के पार्ट पे भी अपन क्या करेंगे, काम करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर अगेन यहाँ पे 23-24 चैप्टर्स के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली है, वी हैव डिफरेंट ऑडिट्स, वी हैव बैंक ऑडिट्स, वी हैव इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट, वी हैव पीयर रिव्यू, वी हैव स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट, वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, वी हैव फॉरेंसिक ऑडिट्स, तो अलग अलग टाइप्स के ऑडिट यहाँ पे दिए हुए हैं। उन सारे ऑडिट्स के नंबरिंग जो मार्क्स है कंपैरेटिवली इंस्टीट्यूट कम देता है, 36 मार्क्स तक वो सिर्फ पूछ रहा है और इतने सारे ऑडिट्स हैं अपने पास। तो वहां पे अगेन व्हाट आई हैव डन इज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ए कंपाइल्ड नोट्स ऑफ 100 पेजेस, जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रैक्टिस मैनुअल, पूरा का पूरा आरटीपी, सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, जितने अमेंडमेंट्स हैं वो सारा आपको कंपाइल्ड वे में मिलेगा, जिससे एक प्रॉबिलिटी रहती है कि अच्छा खासा आपको कवरेज एग्जाम में मिल जाएगा, 80-90% का कवरेज आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एंड उसके अलावा अगेन वॉइस क्लिप्स विल डू इट्स वर्क, जो क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे दैट विल डू इट्स वर्क। अब ये जो दो एरियाज है अप्रॉक्सीमेटली अब कितने मार्क्स का है, टोटल 76 मार्क्स का है, लेकिन ये तो 116 में से है, यानी कंपल्सरीली जो आपको अटेम्प्ट करना रहेगा वो कितना करने का रहेगा, 60 मार्क्स का करने का रहेगा, बिकॉज कंपनी ऑडिट और कारों में कितना कवर हो गया, 40 मार्क्स कवर हो गया। तो स्टैंडर्ड्स और टाइप्स ऑफ ऑडिट के लिए कितना बचा, 60 कंपल्सरी मार्क्स बचा। अब ऑल्दो हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, आप वॉइस क्लिप आपकी मदद करने वाली है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, वॉइस क्लिप्स फिर से आपकी मदद करने वाली है, आपको कंपाइल्ड नोट्स भी मिल जाएगा, कंसाइज नोट भी मिल जाएगा, बट फिर भी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत ही ब्रॉड है एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे एप्लीकेशन चाहिए, तो हो सकता है कि एग्जाम में स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुछ गलती करे या कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो उस वक्त उसे क्लिक ना करे। तो इस एरिया में बिल्कुल 60% मार्क्स आ जाएंगे, 70% मार्क्स आ जाएंगे, इस चीज़ को बोल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी करेंगे उस हिसाब से करोगे, मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि इस एरिया में भी आपको 60% के रेंज में तो मार्क्स मिल ही जाएगा, यानी इस 60 से भी आप ला सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 36 मार्क्स, यानी कि ऑडिटिंग में 65 मार्क्स इज समथिंग जो हर एक स्टूडेंट जो मेहनत करेगा, जो क्लासेस के हिसाब से चलेगा, वो ला ही सकता है। 65 मार्क्स से क्या ज्यादा भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, 65 मार्क्स से ज्यादा भी आ सकते हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड्स में थोड़ा और काम कर लिया, टाइप्स ऑफ ऑडिट में थोड़ा और काम कर लिया, कंपनी अकाउंट्स ऑडिट कारो कोड ऑफ एथिक्स, यहाँ फुल मार्क्स आते हैं मेरे स्टूडेंट्स को, कितनी बार आ चुके हैं, तो अगर आपने यहाँ पे 30 के बदले 35 ले आए तो 70 भी पॉसिबल है, जो ऑल इंडिया हाईएस्ट है वो नॉर्मली 70 तक तो जाता ही है ना, तो आप क्यों नहीं ला सकते। और अगर आपने यहाँ थोड़ी गलतियां भी कर ली, अरे सर आपने जैसा बताया था उससे थोड़ी सी गलतियां हो गई, सर एक दो क्वेश्चन हम परफेक्टली लिख नहीं पाए, कुछ अलग आ गया, तो वहां पे अगर मार्क्स कम भी आ जाए, 65 से 10 मार्क्स कम भी कर लूं मैं, तब भी आप 55 तक तो ला ही सकते हो। यानी ये अप्रोच फॉलो करके हर एक स्टूडेंट मिनिमम 50-55 मार्क्स तो ला ही सकता है ऑडिटिंग में। एंड
मैक्सिमम वो नॉर्मली 60-70 मार्क्स तक ला सकता है, 70 से ज्यादा भी आ सकते हैं, बट दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अगेन उसमें बहुत सारे एफर्ट चाहिए और बहुत सारा रिसर्च चाहिए, राइट? सो दिस इज समथिंग कि हर एक स्टूडेंट टारगेट कर सकता है। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने सिलेबस की बातें करी। क्लासेस में भी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कंपनी ऑडिट के पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टैंडर्ड स्कोरिंग नहीं है, नहीं, स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बट सिर्फ इतना है कि स्टैंडर्ड्स में एप्लीकेशंस लगेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, दैट्स ऑल। उसके बाद ये हमारा सिलेबस का पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन का पार्ट कि सर जी प्रेजेंटेशन को अच्छा कैसे किया जा सकता है। सो टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए स्ट्रॉन्ग राइटिंग प्रैक्टिस। क्या चाहिए? राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि कितने लोगों ने ऑडिट लिखकर किया, तो स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर जी हमने तो ऑडिटिंग को भी ऑडिट किया था, अकाउंटिंग को भी ऑडिट किया था, तो ऑडिट को लिख के कैसे करें, राइट? तो हमें चाहिए बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस। आप सोच के देखो, एक चीज सोच के देखना, आप लोग ही वो स्टूडेंट थे जो लोग क्लास 12 तक बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रहे थे, 80% सिक्योर कर रहे थे, 90 सिक्योर कर रहे थे, 95 सिक्योर कर रहे थे, 98 भी सिक्योर कर रहे थे, और सीए में आप 50 मार्क्स पर पेपर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। क्या सडनली आपका लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है या सिलेबस का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया? यस, आई एग्री कि सिलेबस का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बट एट द सेम टाइम आपका भी लेवल डेफिनेटली ऊपर गया है। वो क्या रीजन है कि वो स्टूडेंट जो 12th में 98% मार्क्स ला रहा था, 80 मार्क्स ला रहा था, वो यहाँ 50 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है? आई एम टेलिंग यू दोस्तों, द बिगेस्ट रीजन यू हैव इज राइटिंग प्रैक्टिस। आप याद करो उस वक्त आप कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सिलेक्शन, फाइनल, लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस यूज टू टेक प्लेस। लेकिन अब हम राइटिंग प्रैक्टिस कब करते हैं? स्ट्रेट एट द एग्जाम हॉल, स्ट्रेट एट द एग्जाम हॉल। जबकि आपको समझना होगा कि ऑडिटिंग इज ए पेपर, ऑडिटिंग इज ए पेपर जिसमें इंस्टीट्यूट आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है, और वो एक्सपेक्टेशन बिना राइटिंग प्रैक्टिस के पूरी नहीं हो सकती। आखिर इंस्टीट्यूट को इतना एक्सपेक्टेशन क्यों है हमसे ऑडिटिंग में? क्यों वो ऑडिटिंग में इतने कम मार्क्स देता है? द रीजन इज वेरी सिंपल। आप सोच के देखो कि आज एज ए चार्टर्ड हमारा सबसे कोर एरिया क्या है? इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटेंसी, तो डेफिनेटली वी चार्टर्ड कैन वर्क इन अकाउंटेंसी, बट देर आर अदर प्रोफेशनल्स एज वेल हु कैन वर्क इन दिस अकाउंटेंसी पार्ट। इफ वी टॉक अबाउट टैक्सेशन, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्सेशन, डेफिनेटली वी चार्टर्ड्स कैन वर्क देयर एंड डू वेरी वेरी वेल, बट देर आर अदर प्रोफेशनल्स ऑल्सो हु कैन वर्क देयर एंड डू वेरी वेरी वेल। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट एरिया, इफ आई टॉक अबाउट कॉस्टिंग, तो वी कैन नॉट बी द कॉस्ट ऑडिटर्स, वी कैन गिव ओनली द कंसल्टेंसी, एंड वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस ए बिग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स। इफ वी टॉक अबाउट लॉ, तो डेफिनेटली वी चार्टर्स कैन एक्सेल इन लॉ, बट कहीं ना कहीं एडवोकेट्स और कंपनी सेक्रेटरीज से वी आर गोइंग टू फेस ए वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन एंड दे माइट एक्सेल अस एज वेल। लेकिन जब मैं बात करता हूं ऑडिटिंग की, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया भर में सिर्फ हमें चुना गया है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चुना गया है टू डू द ऑडिट ऑफ द कंपनी, सिर्फ हमें चुना गया है। वी आर द ओनली वंस हु आर बीइंग चूजन टू डू द ऑडिट। तो आप सोच के देखो, ये हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन है, स्टैचुरी ऑडिट इज द स्टैचुरी डोमेन ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हमारे अलावा कोई ये ऑडिट नहीं कर सकता। इनफैक्ट इंटरनल ऑडिटिंग के अंदर भी वी आर द मोस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशनल्स। सो ऑडिटिंग हमारा कोर एरिया है जहां पे प्रैक्टिकली हमें काम करना है। आर्टिकलशिप में क्या किया था आपने? ऑडिटिंग। सीए बनने के बाद मोस्ट ऑफ देम क्या करोगे? ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग आपका कोर एरिया है जहां आपको जिंदगी भर काम करना है, जो आपके लाइफ टाइम रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, और इस सब्जेक्ट को आप थियोरेटिकल अप्रोच में लेते हो, जबकि ये सबसे प्रैक्टिकल पेपर है, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट? अब इंस्टीट्यूट इसीलिए आपसे जो राइटिंग स्किल्स एक्सपेक्ट करता है वो एट द हाईएस्ट लेवल एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज ये हमारा कोर कॉम्पिटेंसी वाला पेपर है, जबकि हमारे यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती। उसके अलावा
प्रेजेंटेशन में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत सारी चीजें देखनी है. सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन इज दैट एज्यूम दैट द एग्जामिनर नोज नथिंग अबाउट योर आंसर. क्या करो आप, एज्यूम दैट एग्जामिनर डज नॉट नो एनीथिंग. तीसरा, आपको यह समझना होगा कि जो आपका पर्पज है, जो आपका पर्पज है, पर्पज ऑफ सीइंग द प्रैक्टिस मैनुअल, सीइंग द आरटीपीज, दैट इज नॉट ओनली टू सी द कंटेंट पार्ट, दैट इज ऑल्सो टू सी द प्रेजेंटेशन पार्ट. हम में से काफी लोग जो देखते हैं प्रैक्टिस मैनुअल्स देखते हैं, आरटीपीज देखते हैं, वो सिर्फ कंटेंट के लिए देखते हैं, हम प्रेजेंटेशन के लिए नहीं देखते. लेकिन हमें जो प्रैक्टिस मैनुअल देखना है, जो आरटीपीज देखनी है, वो प्रेजेंटेशन के लिए भी देखना है. फिर उसके बाद क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटेशन. राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटेशन. एंड बिलीव मी, जो फॉर्मेट्स मैं आपको प्रेजेंटेशन के सिखाऊंगा, जो फॉर्मेट्स आपको प्रेजेंटेशन के सिखाऊंगा, जो अलग अलग तरीके सिखाऊंगा, अब एक बार में वो चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग अप्रोचेज होंगे हमारे प्रेजेंटेशन के. फॉर डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट प्रेजेंटेशन, फॉर डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट प्रेजेंटेशन. तो इस तरीके से इतना ज़्यादा इंटेंसली हम प्रेजेंटेशन में काम करने वाले हैं टू एंश्योर कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कंट्री में सबसे बेस्ट हो. राइट, तो डिफरेंट थिंग्स हैं जो हमें प्रेजेंटेशन में काम करना है. वी हैव टू वर्क टुगेदर इन दिस प्रेजेंटेशन एरिया. उसके अलावा जिन लोगों ने भी मुझसे क्लासेस ली होंगी, वो लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्लास के बाद मैं एडवाइस करूंगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फुल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेंड करो, एंड यू मेल मी फॉर द इवैल्यूएशन, एंड आई विल बी पर्सनली इवैल्यूएटिंग योर आंसर शीट एंड लेटिंग यू नो कि आप लोग कहां लैक कर रहे हो अब भी. और टुगेदर हम लोग साथ में चलकर डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रेजेंटेशन को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंप्रूव द प्रेजेंटेशन पार्ट. क्लियर है, तो हम लोग साथ में मिलकर वो चीज अगेन देखेंगे. सो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन को लेकर. लेकिन प्रेजेंटेशन अगेन, अभी मैंने आपको बताया, ऐसे आपको मैंने हिंट दिया है, जैसे जैसे क्लास आगे चलती जाएगी वैसे वैसे आप प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कुछ सीखते जाओगे. सो दिस इज दैट व्हाट यू हैव टू वर्क अबाउट द प्रेजेंटेशन पार्ट. तो अगेन समराइजिंग अप, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि अपने को ऑडिटिंग में एग्जम्पशन कैसे लाना है और उसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं. तो आप मेरे साथ अगर समराइज करोगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें चाहिए स्ट्रांग कंटेंट. कंटेंट के लिए मैं आपकी कैसे मदद करने वाला हूं, कंटेंट के लिए मैं आपकी इस तरीके से मदद करने वाला हूं अगेन कि आप क्या कर सकते हो कंटेंट के लिए. 40-45 आवर्स में एक क्लासेस से 100% कंटेंट ले सकते हो, जिसमें प्रैक्टिस मैनुअल भी होगा, आरटीपी भी होगा, स्टडी मैट भी होगा. अगर किसी के लिए क्लासेस देना पॉसिबल नहीं है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप अच्छे से मॉड्यूल को गो थ्रू करो, मॉड्यूल को गो थ्रू करके उसके खुद के नोट्स बनाओ, अगेन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव. कंटेंट पे हमने काम करा, कंटेंट में काम करने के लिए, अगेन कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि आप मुझे क्या कर सकते हो, 7838061193 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा. तो उसके अंदर वॉइस क्लिप्स आप लोग यूज़ कर सकते हो जिससे आपको कंटेंट्स और अच्छे से याद रहेंगे. ये फैसिलिटी सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है ऑल अक्रॉस द कंट्री, बट जिन्होंने क्लास ली है तो उनके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बाकी जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो भी यूज़ कर सकते हैं. कंटेंट के बाद जो अगला काम है प्रेजेंटेशन. नाउ प्रेजेंटेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, वेरी वेरी ब्रॉड टर्म. प्रेजेंटेशन को समझने के लिए अलग अलग आंसर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो हम काफी कुछ क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस सेवरल क्वेश्चंस विद यू कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, तो तब हम सीख पाएंगे कि प्रेजेंटेशन में अपने को कैसे काम करना है और किन सारे ब्रॉड एरियाज को अपने को देखने हैं. और जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है, जो क्लास नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आप प्रेजेंटेशन पर कैसे काम कर सकते हो, आप अपने प्रैक्टिस मैनुअल को देखो, आप अपने आरटीपीज को ऑब्जर्व करो और देखो आरटीपीज में प्रैक्टिस मैनुअल्स में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे कि हाउ कैन यू वर्क अपॉन द प्रेजेंटेशन. सो ये दो चीज़ें अपने को काम करनी है. एंड तीसरी चीज़, अपने को चाहिए स्मार्ट स्टडी अलॉन्ग विथ हार्ड स्टडी, स्मार्ट स्टडी अलॉन्ग विथ हार्ड स्टडी. अब स्मार्ट स्टडी का मतलब, हमने जैसे एनालाइज किया सिलेबस को, तो हमने देखा
उनकी कोड ऑफ एथिक्स और कंपनी ऑडिट का पार्ट करीबन मिनिमम 40 मार्क्स का आ रहा है, एंड वो पार्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्कोरिंग। तो मेरा हमेशा एक फोकस रहेगा कि 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो वहीं आ जाए, अगर 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स यहीं आ जाए तो 50 मार्क्स तो हर किसी स्टूडेंट का इंश्योर हो जाएगा। एंड जिसने थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स में और काम कर लिया, मिसनेस टॉपिक्स जो हैं अलग अलग ऑडिट्स हैं उसमें और काम कर लिया, तो आपके 60-65 भी आ सकते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए और आज के बाद कोई भी स्टूडेंट का फर्स्ट ग्रुप सिर्फ ऑडिटिंग की वजह से ना रह जाए। दैट इज आर अल्टीमेट टारगेट, दैट इज आर अल्टीमेट गोल। और उसके उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने भी क्लासेस ली है, तो प्लीज़ क्लासेस खत्म होने के बाद आप वॉइस क्लिप्स को रेगुलर सुनना, और उसके बाद आप क्या करोगे, मुझे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भेजोगे जिसको मैं पर्सनली इवैल्यूएट करने वाला हूँ। इनफैक्ट अगर आप 2-3 क्वेश्चन पेपर भी मुझे भेजोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू चेक दैट फॉर यू, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप मुझे 7838061193 यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल बी सेंडिंग द व्हाट्सएप लिंक जो लोग भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके अलावा आपकी कुछ भी क्वायरीज भी हैं इस पेपर को लेकर, आप कैसे इस पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो, कैसे इसमें मेहनत कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेल मी एट sanidhyasaraf@gmail.com sanidhyasaraf@gmail.com। तो अगेन यहां से भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सिक्योर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन ऑडिटिंग। आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, आपने थोड़ा सा एनालाइज करा हो, आपको पता चला हो कि हम कैसे ऑडिट में अच्छा काम कर सकते हैं, एंड लेटर विल बी कमिंग विद मैनी मोर वीडियोज, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।